तरफ खड़े चले बाहर जाकर ठुले खड़े हैं। उससे भी बाज के जाना पड़ेगा क्योंकि पकड़ के लितर मारते हैं, लितर मारते हैं ना, लितर मारते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अरकम देखो किस चीज को ले आया यार, अरकम ले आया मलतू को अपने पास, ये देखो गोद में उठा के लेके आया, मस्ती कर रही है, मस्ती कर रहा है मतलब लड़का है इसलिए मस्ती कर रहा है। तो ये देखो भाग गया, उसको बाहर का शौक है, बाहर की इसको आदत डली हुई है इसलिए। तो आज है जुमे का दिन, तो अभी जाना है जुमा पढ़ने के लिए। अरकम भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, रेडी हो चुका कोई नहीं, मैं जा रहा हूं रेडी होने। तो यार गजब बेइज्जती, हाँ रेडी होने जा रहा है। तो आपका भाई तो बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो अभी सबसे पहले जाना है बरिया को स्कूल से लेने के लिए। तो अभी चलते हैं स्कूल से लेने के लिए बरिया को। तो जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक कर दिया करें यार। आप लोगों की एक लाइक की जरूरत है, कुछ भी नहीं होता यार, सिर्फ एक बटन होता है लाइक करने का, तो आप लाइक कर दिया करें, कुछ भी नहीं होता यार। आप लोग लाइक करें और मुझे सपोर्ट मिलेगी बस। तो आप लोगों को दिखा दे क्या सीन होता है। आ चुका हूँ बाहर, तो टोपी पहन ली क्योंकि धूप लग रही थी, मैंने कहा टोपी पहन लेते हैं, उसके बाद चिड़िया पहन ली, मैंने कहा चलते हैं। आप लोगों को दिखाते कैसे जगह जाते हैं और क्या होता है पेट्रोल भराने के लिए, क्योंकि मैंने पेट्रोल चेक किया तो पेट्रोल भी नहीं था उसमें, तो चलते पेट्रोल भराने के लिए, डलवा लिया पेट्रोल। तो अब चलते हैं दिखाते हैं आप लोगों को। इधर भी हो चुकी है स्कूल की छुट्टी, सारे बच्चे आ चुके हैं, तो काफ़ी रश हो चुका है स्कूल के बाहर। अब चलते हैं दिखाते हैं आप लोगों की चलती है। बरिया को लेने के लिए बरिया आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम, सुनाओ कैसी हो, स्कूल में सही दिन गुजरा, गुजर गया। तो चलते हैं बस आप वापसी, तो ले लिया बरिया को भी, अब चलते हैं दिखाते हैं क्योंकि सारे रश हो चुका है इस तरफ आगे पीछे। पर मैं आ चुका हूँ घर, तो चले गए बरिया, तो चली गई। और देखो यार मैं इस्तकबाल के लिए पहले ही मलतू बैठा हुआ है, क्या हाल चाल है, ठीक हो, पंजे बहुत इसके बड़े हो गए यार, पंजे ही मारता है ये, खराब कर देता है बंदे को। नीचे देख रहे नज़ारे कर रहे हैं, यहाँ पर अरकम भी बैठा है, अरकम बिल्कुल तैयार होकर बैठा है जुम्मे के लिए, बिल्कुल तैयार हो गए। चेक करो खिड़िया शड़ियाँ बड़ी मारी हैं, कहाँ से मारी खिड़िया, आपकी खिड़िया बनी, आपकी खिड़िया बनी, ये भी चेक करो यार खिड़िया किसकी बनी है, मेरी बनी है, बस जा रही है बस नहाने धाने के लिए, चेक करो बस खड़ी हुई है। तो बस दिखाते हैं आप लोगों को आगे कैसे होता है, क्योंकि आगे यही सीन होता है कि जुमे की तैयारी करनी है, तो जुमे का टाइम भी बस होने वाला है, 5-10 मिनट रह गए, टोपी पहनते हैं और जल्दी से मस्जिद पहुँचते हैं। चुका हूँ नमाज पढ़ के वापस, तो जैसे ही आया हूँ तो मैंने देखा तो मेरा सेठ साहब सोया हुआ था, नींदे कर रहा है भाई नींदे, मज़े तो भाई इसके हैं यार, मज़े तो इसके हैं। तो दिखाते हैं अरकम, देखते हैं क्या कर रहा है। ओहो मेरे ख्याल से अरकम ने नमाज नहीं पढ़ी यार, क्या सीन है, पढ़ ली है मैंने तो। कब पढ़ी है, झूठ बोल रहे हो, मैं तो पढ़ क्या भी। अच्छा टोपी से लग रहा है मेरे ख्याल से, बाल जो उड़े हुए ना हवा में जो उड़े हुए यहाँ से लग रहा है इसका। तो बस दिखाते हैं आप लोगों को आगे क्या सीन होता है, हमारे साथ रहिए देखते रहिए, क्योंकि आज से माशाल्लाह से इज्तिमा भी शुरू हो रहा है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आज निकल जाएं, वरना कल तो इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे आप लोगों को दिखाएंगे। तो 26 नंबर में इज्तिमा है, तो जो जिस भाई ने शिरकत नहीं की तो शिरकत करें, तो बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा, हम भी जाएंगे इंशाल्लाह, मुलाकात भी वहाँ पर होगी। तो ऐसा कुछ सीन हुआ कि मैं आ गया था घर से बाहर, तो मैंने कहा मौसम एंजॉय किया जाए, तो पीछे देखो चुना बैठा है मेरे, चुप कर बे कुत्ते, तो चेक करो भाई। तो अभी जा रहे हैं मौसम एंजॉय करते करते 7 मिनट पे, तो हम आए थे किसी काम से, तो काम तो हो गया, तो अब जा रहे हैं घर वापस। तो अब दिखाते हैं आप लोगों को आगे क्या सीन होगा, मौसम बहुत हैवी किस्म का हो चुका है यार, उस तरफ खड़े ठुल्ले बाहर जाकर ठुल्ले खड़े हैं, उससे भी बाज के जाना पड़ेगा क्योंकि पकड़ के लितर मारते हैं, लितर मारते हैं ना, लितर मारते हैं। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं मदरसे के, मदरसा भी करीब है इसलिए, तो आपको ठुल्ले दिखाते हैं, ये देख करो बहुत सख्ती डाली हुई है उन्होंने, जो बाइक आता जा रहा है उसको डाले में डालते जा रहे हैं और उनको वापस किए जा रहे हैं, कितना रश है, बहुत सख्ती लगाई हुई आ रहे हैं उन्होंने, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, क्यों लगाई हुई है कोई समझ नहीं आ रही। चलो अल्लाह पाक खैर करे, तो बाकी इस्तेमाल की जा रही है भी है इंशाल्लाह, तो आप लोगों को आगे क्या सीन होगा। घर में आ चुका हूँ घर वापस, तो घर जैसे ही आया तो माँ साहब ने हलवा रखा हुआ था मेरे लिए, कहते हैं जैन भाई आएंगे तो खा लेंगे,
इसलिए मैं जैसे ही आया हूँ तो मैंने कहा हलवा खाते हैं। तो हलवा मजे का बनाया हुआ है यार, मम्मा ने बनाया बहुत मजे का। इसको छिकते हैं आराम से कौन से, इसके बाद खाते हैं जो भी होता है। खाने के बाद आपका भाई फिर बैठ चुका है, तो मैंने कहा बस क्योंकि माजर आप लोगों से चाहता हूँ कि क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था तो अभी भी बस विला नहीं था, बस मैंने कहा व्लॉग ही एंड किया था, इस वजह से व्लॉग एंड किया जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, इसी बारे लाइक करें शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी अल्लाह हाफिज़, क्योंकि आगे मिलेंगे इंशाल्लाह अच्छे अच्छे व्लॉग, तो बस फिर दिखाते हैं आप लोग कैसे।